स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 5, चैप्टर नंबर 3, मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ देयर इफेक्ट्स। तो आज हम अर्थ की मूवमेंट्स के बारे में और उसके क्या इफेक्ट हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये पूरा चैप्टर मैंने दो भागों में डिवाइड किया है, दो पार्ट में, तो आज हम इसका फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे। सो नाउ आई एम स्टार्टिंग आवर चैप्टर। वी हैव ऑलरेडी लर्न द अर्थ लाइक ऑल द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। हम अर्थ के बारे में पढ़ चुके हैं और उसके साथ के जो प्लैनेट्स हैं, जो सोलर सिस्टम में जो भी प्लैनेट हैं उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। जो हमारी अर्थ है उसके साथ के जो प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं, सन के आगे सन के अराउंड मूव्स करते हैं। तो सोलर सिस्टम में टोटल कितने प्लैनेट्स होते हैं, 8। जो अर्थ है हमारा वो हमारा क्या है, 3rd प्लैनेट्स। तो ये पूरा एक सोलर सिस्टम बनता है और ये पूरे जो 8 प्लैनेट्स हैं ये सन के अराउंड मूव्स करते हैं, चक्कर लगाते हैं। टेक अ ग्लोब एंड ट्राई टू स्पिन इट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। एक ग्लोब लीजिए और उसको वेस्ट से ईस्ट तक उसको स्पिन कीजिए। मान लो ये हमारा ग्लोब है, इसे हमने वेस्ट से लेके ईस्ट तक इसको स्पिन किया। द अर्थ ऑल्सो स्पिन द सेम वे। और जो हमारी अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, धरती है, वो भी सेम ऐसे ही वेस्ट टू ईस्ट स्पिन होती है। नाउ लुक एट द ग्लोब अगेन। अब ग्लोब को दोबारा से देखिए, ग्लोब को दोबारा से देखिए। यू विल नोटिस दैट द ग्लोब इज टिल्टेड एट ए पर्टिकुलर एंगल। आप देखेंगे कि जो हमारा ग्लोब है ये एक पर्टिकुलर एंगल कोण की तरफ झुका हुआ है, एक पर्टिकुलर कोण की तरफ झुका हुआ है। जस्ट लाइक द ग्लोब, जैसे कि एक ग्लोब झुका हुआ है, द अर्थ इज ऑल्सो टिल्टेड। जो हमारा जैसे ये ग्लोब झुका हुआ है वैसे ही हमारी अर्थ, हमारी पृथ्वी एक कोण की तरफ झुकी हुई है। नाउ इमेजिन अ लाइन draw through the center of the earth joining the north and the south poles. अब हमें एक imaginary line draw करनी है earth के center में। imaginary line हमारी होती है काल्पनिक line। मान लो ये हमने एक imaginary line draw करी है earth के center में, पूरी की पूरी बीचों बीच। तो ये क्या करती है, north pole और south pole को आपस में join कर रही है। आप देख रहे हैं ये जो मैंने imaginary line draw करी है अर्थ के center में, ये north pole और south pole को आपस में join कर रही है। The imaginary line is called the axis of the earth। और जो ये हमारी imaginary line है जो north और जो south pole को join कर रही है आपस में, इसे हम axis of the earth कहते हैं। The axis is tilted an angle of 66.5 degree टू द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट। और जो हमारी जो एक्सिस है, जो ये झुकी हुई है, ये इसका जो एंगल है कौन है वो कितना है, ये 66.5 degree है अर्थ के ऑर्बिट पे। द अर्थ स्पिन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस। जो हमारी अर्थ होती है वो वेस्ट से ईस्ट तक इसी इसी ऑर्बिट पर मूव करती है, स्पिन करती है, घूमती है। लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट इट्स मूवमेंट। चलिए इसकी मूवमेंट्स के बारे में हम और फाइंड आउट करते हैं। द टू मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ आर। दो अर्थ, जो अर्थ है हमारी उसकी टोटल कितने मूवमेंट्स हैं, उसके दो। तो पहला है हमारा रोटेशन और दूसरा है रिवोल्यूशन। चलिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं एक छोटा सा। तो डैज एंड डैज आर द टू मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। अभी हमने पढ़ा है कि अर्थ की कितनी मूवमेंट्स होती हैं, दो, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। तो रोटेशन एंड रिवोल्यूशन आर द टू मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। तो नेक्स्ट हमारा है रोटेशन। अब हम पढ़ेंगे रोटेशन, जिसको हम हिंदी में घूर्णन या चक्कर लगाना भी कहते हैं। द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। मान ली हमारी अर्थ है, ये एक जगह पे जो स्पिन कर रही है, घूम रही है, रोटेट कर रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, रोटेशन कहेंगे। ये अपने एक्सिस पर, एक अक्ष पर, एक निश्चित अक्ष पर ये रोटेट कर रही है, इसे हम क्या बोलेंगे, रोटेशन ऑफ द अर्थ। द अर्थ
टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। हमारी अर्थ को एक रोटेशन, एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 24 आवर्स, 24 घंटे का समय लगता है एक चक्कर लगाने में। अब हम इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन, रोटेशन के क्या इफेक्ट्स होते हैं वो सब पढ़ेंगे। द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट। तो जो हमारी अर्थ जो ये रोटेट करती है, इसके कारण क्या होता है? इसके कारण डे और नाइट होते हैं। आप देखते हैं कि हमारी पृथ्वी पर, अर्थ पर दिन जब सुबह होती है तो उसके बाद शाम भी होती है। और ये जो डे नाइट, आप सोचते होंगे बच्चों की डे नाइट आखिर कैसे होता है? दिन हो जाता है, सूरज उग जाता है, फिर शाम हो जाती है, फिर मून आ जाता है मतलब आसमान में। तो जो ये डे और नाइट जो होते हैं हमारी अर्थ पर, जो मूवमेंट्स होते हैं वो किसके कारण होते हैं? रोटेशन के कारण, अर्थ की रोटेशन के कारण। वो कैसे, मैं अभी आपको बताती हूँ। When the earth rotates, only one part of the earth faces the sun. मान लो अर्थ हमारी एक पार्ट पर रोटेट कर रही है, रोटेट करके वो यहाँ पर सन, सन हमारा एक अक्ष पर है, एक निश्चित अक्ष पर है। हमारी जो पृथ्वी है, मैंने आपको बताया था वो कि सन के अराउंड वो चक्कर लगाती है, तो रोटेशन करती है। तो अब इसका जो हमारी जो पृथ्वी है, इसका एक पार्ट आप देखेंगे कि वो सन के बिल्कुल ठीक सामने आ जाता है। घूमते घूमते एक चक्कर जब इसने लगाया तो उसका जो एक पार्ट है सन का, वो मतलब सॉरी पृथ्वी का, वो सन के पास आ गया। और सन की जो किरणें होती हैं, सनलाइट्स होती हैं, वो क्या होती हैं, सीधे पृथ्वी के एक पार्ट पे आ रही हैं। एक पार्ट पे आपको दिन नजर आएगा और दूसरे पार्ट पे आप देखिए बिल्कुल अंधेरा है। यानी कि जिस पार्ट पर, पृथ्वी के जिस पार्ट पर सूर्य की किरणें आती हैं, सन की मतलब रेज आती हैं, रोशनी होती है, वहां पे डे होगा। और जिस पार्ट पर सूर्य की किरणें नहीं आएंगी उस पार्ट पर नाइट होगी। आपके लिए मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण देती हूँ। आप एक टॉर्च लीजिए, मान लो ये मैंने टॉर्च ड्रॉ करी है और इसके आगे आप एक बॉल रखिएगा, बॉल। अब टॉर्च को जब आप जलाएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि टॉर्च जब, जैसे मान लो ये टॉर्च जल रही है तो इसके जो जो ये बॉल है, इसके जो ये वाला हिस्सा है, यहाँ पे आपको रोशनी नजर आएगी और पीछे वाले पार्ट पे उसकी रोशनी नहीं पहुंच पाएगी। अगर घूमते घूमते ये वाला पार्ट अगर इधर आ जाएगा तो इस वाले पार्ट पर रोशनी आ जाएगी, और जो ये पार्ट जो पहले रोशनी में था इसमें अंधेरा आ जाएगा, डार्कनेस आ जाएगी। वाइल द अदर पार्ट रिमेन्स अवे फ्रॉम द सन। मैंने आपको समझाया था कि मैंने इमेज में आपको बता दिया था कि जो ये पृथ्वी हमारी अर्थ है, इसका एक पार्ट सन के सामने है तो यहाँ पे डे होगा, यहाँ पे सनलाइट पड़ेगी तो यहाँ पे डे होगा, और जो दूसरा पार्ट है जहाँ पे सनलाइट सूर्य की नहीं पहुंचती है वहां पे नाइट होगी, वहां पे डार्कनेस होगी। द पार्ट द फेसेस द सन रिसीव सनलाइट एंड हैज डे। जो पार्ट अर्थ का, जो पार्ट सन के ठीक सामने है, जो सनलाइट फेस कर रहा है, वहां पे क्या होगा? दिन होगा। While the other part is the darkness and has a night, और जो दूसरा पार्ट है जो कि सन को फेस नहीं करता है, जो बिल्कुल डार्कनेस से भरा हुआ है, वहां पे क्या होगा? नाइट होगी। अच्छा, मैं एक आपको उदाहरण दूंगी, वो इसी में ही है, पहले हम पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको उसके साथ एक उदाहरण देती हूँ। As the earth rotates from west to east, the sun seems to rise from the east. जो हमारी अर्थ है वो वेस्ट से लेके ईस्ट, वो वेस्ट से शुरू करती है अपना घूमना और ईस्ट में घूमती है, वेस्ट से लेके ईस्ट तक वो रोटेट करती है। तो उसके कारण क्या होता है? जो सन होता है, आपने सुना होगा कि सन कहाँ से उगता है, सन कहाँ पे राइज होता है? ईस्ट में। जब भी आपने बचपन से, ईस्ट में क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर रोटेट करती है। दिस इज द रीजन वाई प्लेस इन द ईस्ट गॉट एक्सपोज टू द सन फर्स्ट। और जो भी प्लेस ईस्टर्न स्टेट में आते हैं, ईस्ट में आते हैं, जो भी प्लेस, जो भी जगह, जो भी स्थान, वो सबसे पहले वहां पे सन की जो सनलाइट पड़ती है,
सबसे पहले क्या, एक है आपने सुना होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश हमारा कहाँ आता है, ईस्ट में। वहां पे आपने सुना होगा कि सबसे पहले सूर्य की किरणें वहां पे दिखाई देती, वहां पे सबसे पहले दिन निकलता है। Hence their time is ahead of the time is place in the west. West के अकॉर्डिंग ईस्ट में, ईस्ट के जो प्लेस होते हैं वहां पे सबसे पहले सूर्य की किरणें, सबसे पहले दिन होता है, क्योंकि जो सन होता है वो हमारा ईस्ट में ही राइज होता है। You may have friends or relatives in other countries and found it was night there while it was daytime in India. आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स जो भी अदर कंट्रीज में रहते हैं, आप देखते हैं कि जब भी आप मतलब उनसे बात करेंगे तो वहां पे रात होगी और हमारे इंडिया में उस टाइम क्या होता था, दिन होगा। तो नाउ यू नो हाउ इट्स हैपन, अब आपको पता चल ही गया है कि ये क्यों होता है। ये मैंने आपको समझा दिया है, मैं एक बार और आपको क्लेरिफाई कर देती हूँ। ये हमारा सन है और ये हमारी अर्थ है। मान लो यहाँ पे अमेरिका है, अमेरिका को हम ए से लिखेंगे, और यहाँ पे हमारी इंडिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा रोटेट होके जो हमारा इंडिया वाला जो ये पार्ट है ये आ गया सन के सामने, बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, डे। और जो अमेरिका है ये आ गया सन की, इस जो सनलाइट है वो यहाँ नहीं पड़ रही है, तो यहाँ पे क्या होगी, नाइट। तो इसलिए हम देखते हैं कि जब अमेरिका में नाइट होती है तो इंडिया में डे होता है, और जब इंडिया में डे होगा तो अमेरिका में नाइट होगी। तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा, मेंशन इन कमेंट बॉक्स। और जो भी आपको पूछना है, क्वेरी हो, जो भी आपको वर्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लास 5, मोमेंट्स ऑफ द अर्थ देयर इफेक्ट्स, चैप्टर नंबर 3। कल हमने अपना चैप्टर शुरू किया था, इसका हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो हमारी अर्थ की कितनी गतियां होती हैं, कितने मूवमेंट्स होते हैं अर्थ के। तो अर्थ के हमारे दो मूवमेंट्स होते हैं, टू मूवमेंट्स होते हैं, एक है रोटेशन और एक है रिवोल्यूशन। तो रोटेशन वाला पार्ट था वो हम पढ़ चुके थे, आज हम पढ़ेंगे रिवोल्यूशन के बारे में। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रोटेशन के बारे में समझ लेते हैं कि रोटेशन आखिर होता क्या है। रोटेशन यानी कि घूर्णन। द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ऑन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। ये हमारी अर्थ है, ये इसके दो पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ये क्या करती है, ये इसका एक्सिस है, इसका अक्ष है, ये अपने ही अक्ष पर रोटेट होती है। तो इस अपने ही अक्ष पर मतलब घूर्णन करने की स्थिति को हम रोटेशन कहते हैं। और डे और नाइट रोटेशन के कारण ही होते हैं। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट अपना, रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन यानी कि परिक्रमण, इसके बारे में पढ़ेंगे। और रोटेशन और रिवोल्यूशन में क्या अंतर है ये भी हम पढ़ेंगे। व्हेन रोटेटिंग ऑन इट्स टिल्टेड एक्सिस द अर्थ आल्सो मूव्स अराउंड द सन ऑन अ फिक्स्ड पैथ। जो अर्थ होती है वो अपने झुके हुए, टिल्टेड होता है, झुके हुए अक्ष पर रोटेट करती है, घूर्णन करती है। द अर्थ आल्सो मूव्स अराउंड द सन ऑन फिक्स्ड पैथ। लेकिन क्या होता है, सन के भी अराउंड हमारी जो अर्थ होती है वो मतलब रोटेट करती है, वो चक्कर लगाती है, सन का भी चक्कर लगाती है एक फिक्स पैथ पर। और जो ये हमारा फिक्स पैथ है इसे हम ऑर्बिट कहते हैं, यानी कि अर्थ अपने एक फिक्स ऑर्बिट पर सन के अराउंड चक्कर लगाती है, सन के अराउंड घूमती है, उसे हम कहते हैं रिवोल्यूशन। रोटेशन में क्या होता है, अर्थ एक अपने खुद के ही अक्ष पर रोटेट करती है। लेकिन रिवोल्यूशन में क्या होता है, यहाँ पे अर्थ सन के अराउंड चक्कर लगाती है। द अर्थ कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इन 365 1/4 डे। तो जो हमारी अर्थ होती है वो एक रिवोल्यूशन, अपना एक परिक्रमण कितने दिन में पूरा करती है, 365 1/4 डेज में। अब ये कैसे, मैं आपको बताती हूँ। We have only 365 days on our calendar. तो हमारे जो कैलेंडर में है ओनली कितने डेज होते हैं, वन ईयर हमारा कितना डेज का होता है, ओनली
365 डेज का होता है हमारा वन ईयर. द वन फोर्थ डे ऑफ एवरी ईयर इज एडेड टू मेक वन एक्स्ट्रा डे. तो हर साल का एक बटा चार, तो हर साल का जो एक वन फोर्थ भाग का जो दिन होता है वो अगर हर साल का हम जोड़े तो चार सालों में वो कितना बनता है, एक डे बनता है. चार बार अगर वन फोर्थ डे को अगर हम फोर में फोर बार अगर इसे काउंट करेंगे तो ये पूरा एक डे बनेगा. तो दिस एक्स्ट्रा डे इज एडेड एवरी फोर्थ ईयर टू द मंथ ऑफ फेब्रुअरी. जो ये एक्स्ट्रा डे होता है ये हमारा हर चार साल बाद फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है. उस टाइम हमारे हो जाते हैं 366 डेज, क्योंकि नॉर्मली हमारे मतलब एक रिवोल्यूशन जो अर्थ होती है वो कितने डेज में पूरा करती है, 365 में तो डेज में करती है, साथ में वन फोर्थ डेज उसको और लगता है, वन फोर्थ एक चौथाई हिस्सा. तो एक चौथाई हिस्सा यानी कि इसको अगर चार बार हम करेंगे तो ये पूरा एक बनेगा. तो एक एक्स्ट्रा डे हमारा कब ऐड होगा, हर चार साल बाद फरवरी के महीने में. हेंस फरवरी हैज 29 डेज एवरी फोर्थ ईयर इंस्टेड ऑफ 28 डेज. वैसे तो हर साल जो फरवरी का महीना होता है वो 28 डेज का होता है, लेकिन हर चार साल बाद वो 29 डेज का हो जाता है. अ ईयर विद 366 डेज इज नोन एज अ लीप ईयर. जो ये साल होता है जिसमें 366 डेज होते हैं इसे हम क्या कहते हैं, लीप ईयर. द ईयर 2016 इज अ लीप ईयर. तो हमारा पिछला जो लीप ईयर कब था, जो अर्थ को रिवोल्यूशन करने के लिए 366 डेज कब लगे थे, 2016 में. और अब नेक्स्ट उसके चार साल बाद आप लगा लो तो 2020 में. अभी 2020 की फरवरी में 29 डेज का फरवरी था, तो इस वजह से हमारा लीप ईयर, एक लीप ईयर हमारा जो निकल चुका 2016 और दूसरा जो लीप ईयर हमारा अब है निकला वो है 2020 का फरवरी महीना. कैलकुलेट एंड टेल व्हेन द नेक्स्ट लीप ईयर विल बी. कैलकुलेट कीजिए और बताइए कि जो नेक्स्ट लीप ईयर है वो कब होगा. मैंने आपको बताया था 2016 में था एक लीप ईयर, उसके ठीक चार साल बाद मैंने कैलकुलेट किया तो वो 2020 में लीप ईयर आया. अब आप कैलकुलेट कीजिए कि 2020 के बाद नेक्स्ट लीप ईयर कब होगा. ऑल द अदर प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम ऑल्सो मूव अराउंड द सन इन देयर ऑन ऑर्बिट. और जितने ही प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में वो भी सन के चक्कर लगाते हैं अपने फिक्स ऑर्बिट पे. कैसे, सोलर सिस्टम में टोटल कितने प्लैनेट्स हैं, टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, तो अर्थ भी उनमें से ही एक थर्ड प्लैनेट है. तो वो सारे क्या करते हैं, सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं. मैं आपको बताती हूँ, ये सन है, ये हमारा सन है. अब इसके आगे ये सारे प्लैनेट आ जाते हैं. टोटल कितने प्लैनेट्स हैं, 8. टोटल प्लैनेट हमारे कितने हो गए, ये 8. तो ये क्या करते हैं, सन के आगे चक्कर, सन का पूरे एक परिक्रमण करते हैं सन की. तो हमारा अर्थ है थर्ड प्लैनेट. ये अपने डिस्टेंस के अनुसार इन मतलब परिक्रमण करते हैं. मैं आपको भी समझाती हूँ. द टाइम टेकन टू मूव अराउंड द सन वेरियस डिपेंडिंग ऑन देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन. और जितने प्लैनेट हैं इनको अपने डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही सन की पूरा एक परिक्रमण, एक रिवोल्यूशन करने में टाइम लगता है डिस्टेंस के अनुसार. जैसे कि हमारा जो अर्थ है वो क्या है, थर्ड प्लैनेट है. तो ये इसको हमारे इस अर्थ को कितना टाइम लगता है एक रिवोल्यूशन पूरा करने में, 365 डेज. ऐसे ही बाकी प्लैनेट्स को भी टाइम लगता है. ये सब क्या करते हैं, टोटल जो 8 प्लैनेट्स हैं वो सन का परिक्रमण करते हैं यानी कि रिवोल्यूशन करते हैं. डू यू नो दैट द मून ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. क्या आप जानते हैं कि जो मून होता है, चंद्रमा होता है, चांद होता है, वो भी अर्थ का रिवॉल्व्स, जैसे कि अर्थ सन की रिवॉल्व्स करती है वैसे ही ये मून है. ये मून मान लो ये भी अर्थ के
मतलब अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, अर्थ की परिक्रमण करता है मून। इट टेक्स लिटिल मोर देन 27 days टू कम्प्लीट वन रिवोल्यूशन। तो मून को अर्थ का रिवोल्व करने के लिए कितना टाइम लगता है? 27 days या उससे अधिक एक रिवोल्यूशन पूरा करने में, एक परिक्रमण पूरा करने में। अब हम कर लेते हैं क्विक रिविजन। अ ईयर विद डेज इन इज कॉल्ड अ लीप ईयर। मैंने आपको बताया था 366 days अगर जिस ईयर में होंगे वो हमारा लीप ईयर होगा। अब पढ़ते हैं इफेक्ट्स ऑफ रिवोल्यूशन। द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन आर टिल्टेड एक्सिस। टिल्टेड एक्सिस मैंने आपको बताया था झुका हुआ अक्ष। जो हमारी अर्थ है वो सीधी नहीं है, वो जैसे ये हमारी है अर्थ, ये हमारी थोड़ी सी, ये इसका है साउथ पोल, ये है इसका नॉर्थ पोल, ये थोड़ी सी झुकी हुई है। अराउंड द सन कॉजेज सीजन। जो हमारी अर्थ है वो जो सन का रिवोल्व करती है उसके कारण क्या होते हैं? सीजन बदलते हैं, सीजन आते हैं। सीजन्स जानते हैं बच्चों, जैसे कि समर सीजन, विंटर सीजन है। व्हेन वन पार्ट ऑफ द अर्थ फेसेस द सन द अदर पार्ट इज अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंस विंटर। द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट फेसेस द सन एक्सपीरियंस समर वाइल द अदर पार्ट एक्सपीरियंस विंटर। अब मैं आपको बताती हूँ, ये हमारा है सन, मैंने आपको बताया था, और ये हमारी है अर्थ, ये अर्थ है, ये सन है। अब यहाँ जो ये हमारा हो गया, सन को दो भागों में हमने बांट लिया, ये है, ये क्या है, सन की जो रोशनी है, सनलाइट है, वो पड़ रही है। तो ये जिस पार्ट पर, ये हमारी इमेजिनरी लाइन है, जिस पार्ट पे पड़ रही है वहाँ पे क्या होगी? गर्मी। और जिस पार्ट पे नहीं पड़ रही है अर्थ के, मतलब अर्थ पर सूर्य की किरणें, तो उस पार्ट पे हमारा क्या होगा? विंटर। तो सीजन किसके अकॉर्डिंग आते हैं? रिवोल्यूशन के कारण, क्योंकि सन, क्योंकि अर्थ क्या करती है? सन का रिवोल्यूशन करती है, और घूमते ये भी अपनी फिक्स पैथ पर घूर्णन करती है अर्थ भी। तो घूमते घूमते क्या होता है, जैसे कि ये हमारा हो गया ईस्टर्न हेमिस्फेयर, ये हो गया वेस्टर्न हेमिस्फेयर। तो ईस्टर्न हेमिस्फेयर पे अगर सूर्य की किरण पड़ेंगी तो वहाँ पे समर होगा यानी गर्मी, और वेस्टर्न हेमिस्फेयर पे अगर इसकी किरण नहीं पड़ेंगी तो वहाँ पे होगा विंटर। देयर आर फोर मेन सीजन्स। तो सीजन्स टोटल कितने हैं? फोर। चार मेन सीजन्स हैं, कौन कौन से? समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटमन। समर होता है गर्मी का मौसम, विंटर होता है सर्दी का मौसम, स्प्रिंग होता है वो बसंत ऋतु, वसंत का मौसम जो ठीक गर्मी के बाद आता है, और ऑटमन होता है पतझड़ का मौसम। व्हेन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एक्सपीरियंस समर इन जून द साउथर्न हेमिस्फेयर एक्सपीरियंस विंटर एट दैट टाइम एंड वाइस वर्सा। जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वो एक्सपीरियंस करेगा जून में गर्मी के मौसम को, और जो साउदर्न हेमिस्फेयर है वो एक्सपीरियंस करेगा विंटर को। इसके लिए हम देखते हैं, एक डायग्राम है उसको हम समझते हैं। ये है हमारा रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉसेस सीजन। तो जो अर्थ में जो रिवोल्यूशन के कारण जो सीजन बदलते हैं उसके बारे में, ये है हमारा सन, ये ए बी में डिवाइड है। तो हम इसको पहले हम पढ़ते हैं ए वाला पार्ट। ये हमारी है अर्थ, तो ये हमारा है नॉर्थ पोल और ये हमारा है साउथ पोल। अब ये हमारा हो गया, यहाँ पे सूर्य किरणें इस वाले पार्ट पे पड़ रही है, तो यहाँ पे उजेला है, यहाँ पे समर होगी गर्मी होगी, और जिस पार्ट पे नहीं पड़ रही वहाँ पे होगी विंटर। तो जो ये वाला पार्ट है ये हमारा है साउदर्न हेमिस्फीयर वाला पार्ट, और ये वाला हमारा पार्ट है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे क्या हो रही है? सूर्य किरणें पड़ रही हैं, तो वहाँ पे हमारा क्या है? समर। और जो साउदर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पे सूर्य की किरणें नहीं पड़ रही हैं, वो है हमारा विंटर। अब है बी में आते हैं, ये हमारा है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। और सूर्य किरणें यहाँ पे, ये थोड़ा देखो थोड़ा झुक गया है यहाँ पे, ये
मतलब जैसे कि मान लो यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे इंडिया है, और ये जो ये पृथ्वी है, अर्थ है, ये खुद अपने अक्ष पे घूमती है और ये घूमते हुए सूर्य का भी परिक्रमण करती है। जब इसका मान लो ये पार्ट घूमते घूमते इधर आ जाएगा तो इंडिया में उस टाइम गर्मी हो जाएगी, और अगर इंडिया का पार्ट घूमते घूमते इधर आ जाएगा तो इंडिया में क्या हो जाएगी, सर्दी का मौसम हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा है, साउदर्न हेमिस्फीयर। यहाँ पे क्या हो रही है इस टाइम, स्प्रिंग। और यहाँ पे ये है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पे क्या हो रहा है इस टाइम, ऑटमन। ठीक है, ये है हमारा सी पार्ट, ये हमारा हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया हमारा साउथ पोल। तो ये साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रही है, समर, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है, विंटर। ये भी हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल, अर्थ में ये क्या हो रहा है, यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है, स्प्रिंग, और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, ऑटमन। ठीक है बच्चों, आपको वीडियो कैसी लगी बताइए।